आज तारीख हो चुकी है 17 अक्टूबर। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर, वर्ल्ड कप को लेकर, क्रिकेटिंग जगत को लेकर कुल 8 बड़ी खबरें और 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको सभी 8 बड़ी खबरों के बारे में बताऊंगा। तो कुल मिलाकर काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपोर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सभी 8 बड़ी खबरों की। तो जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती है, वो आती है यहाँ पर लखनऊ के इकाना स्टेडियम को लेकर। दरअसल कल यहाँ पर लखनऊ में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला हुआ था। मुकाबले के दौरान थोड़ी बहुत बारिश हुई थी, इसके साथ ही आंधी चली थी। आंधी चलने की वजह से स्टेडियम में लगी होल्डिंग यहाँ पर क्राउड पर गिर गई थी। इसके साथ ही स्टेडियम के बाहर भी लगी हुई होल्डिंग यहाँ पर बाहर जा रहे व्यक्तियों पर गिर गई थी। जहाँ पर स्टेडियम में तो कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ था, लेकिन स्टेडियम के बाहर एक मदर और उनकी डॉटर यहाँ पर इंजर्ड हो गई थी। हॉस्पिटल उनको एडमिट किया गया। हालांकि बीसीसीआई ने यहां पर सारा दोष यहां पर अब स्टेट क्रिकेट काउंसिल पर डाल दिया, जहां पर बीसीसीआई ने यहां पर सभी 12 स्टेट काउंसिल्स को 50-50 करोड़ रुपए यहां पर वर्ल्ड कप होस्टिंग के दिए थे। 50 करोड़ में इनको सब कुछ मैनेज करना था, लेकिन लखनऊ के स्टेडियम में यहां पर ऐसी हालत है जहां पर पहले चेयर्स काफी गंदी थी और अब यहां पर स्टेडियम में लगे होल्डिंग यहां पर मुकाबले के दौरान गिर रही है। तो यहां पर लखनऊ में यहां पर अब काफी खराब हालत है। इस वजह से यूपी क्रिकेट काउंसिल को अब बीसीसीआई की तरफ से फटकार मिली। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर अब लखनऊ में बचे हुए मुकाबले होस्ट होने चाहिए या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं यहां पर दूसरी बड़ी खबर की। तो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती है चेन्नई की तरफ से। दरअसल चेन्नई के लिए ऑक्शन से पहले बड़ी कुछ खबर है। दरअसल गायकवाड़, जिसको ये टीम फ्यूचर कैप्टन के तौर पर देख रही है, कल इन्होंने शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी के पहले मुकाबले में 40 बॉलों में 82 रन की पारी खेली, 9 चौके और 5 छक्के लगाकर अपनी टीम को सिंगल हैंडेडली जिता दिया। जबकि अजिंक्य रहाणे ने कप्तानी करते हुए नाबाद यहां पर 46 बॉलों में 73 रन की पारी खेली, यहां पर 6 चौके और 3 छक्के लगाकर इन्होंने भी अपनी टीम को मुकाबला जीता है। तो कल चेन्नई के प्लेयर्स का शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी के पहले दिन काफी अच्छा परफॉर्मेंस, काफी अच्छा प्रदर्शन यहां पर रहा है। तो कुल मिलाकर काफी बेहतरीन इनका यहां पर प्रदर्शन रहा। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग गायकवाड़ को आखिर कप्तानी सौंपने वाला ये चेन्नई का आखिर फ्यूचर में सही फैसला रहेगा या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं यहां पर तीसरी बड़ी खबर की। तो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती होती है पाकिस्तान के यहां पर विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान की तरफ से। दरअसल मोहम्मद रिजवान यहां पर भारत में आकर टोटली फंस चुके हैं, जहां पर भारत में एक एडवोकेट विनीत जिंदाल ने इनके खिलाफ यहां पर हाईकोर्ट में कंप्लेंट दायर कर दी, इनके खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। जहां पर इन्होंने ये कहा कि भारत में हर मुकाबले के दौरान अर्धशतक लगाने के बाद ये पिच पर नमाज पढ़ने लग जाते, इसके साथ ही यहां पर भारत में रहकर गाजा को ये सपोर्ट कर रहे। तो इस पर यहां पर इनके खिलाफ केस दायर हो चुका है। हालांकि अब ये हाईकोर्ट में पता चलेगा कि इनके खिलाफ क्या यहां पर एक्शन लिया जाता है, लेकिन इन्होंने यहां पर कुछ हद तक शायद सही कहा है। दरअसल यहां पर नमाज दिन में एक दो बार करी जा सकती है, लेकिन मुकाबले के दौरान नमाज करना सही नहीं है। विराट कोहली भी इससे कुछ नहीं थे, विराट कोहली भी भारत पाकिस्तान के मुकाबले के दौरान इस पर यहां पर आपत्ति जता रहे थे। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग हाईकोर्ट को आखिर रिजवान पर इस प्रकार की यहां पर मुकाबले के दौरान नमाज करने पर रोक लगाना चाहिए या फिर इनको अलाउ करना चाहिए। आप अपनी राय कमेंट जरूर करें। अब हम बात करते हैं यहां पर चौथी बड़ी खबर की। तो चौथी बड़ी खबर निकल कर आती है मिचेल स्टार्क की तरफ से। दरअसल मिचेल स्टार्क ने कल यहां पर कल श्रीलंका के खिलाफ काफी अच्छी गेंदबाजी करी थी। गेंदबाजी के दौरान इन्होंने यहां पर श्रीलंकाई बल्लेबाजों को 2 बार वार्निंग दी थी, कुशल परेरा को 2 बार वार्निंग दी थी। जहां पर इनके बॉल डालने से पहले वो क्रीज छोड़ रहे थे, तो उनको मैन कटिंग करने से पहले यहां पर 2 बार इनकी तरफ से वार्निंग दी गई। हालांकि मिचेल स्टार्क ने इससे पहले भी काफी सारे प्लेयर्स को वार्निंग दी, अभी तक इन्होंने मैन कटिंग नहीं करी। वर्ल्ड कप में अभी तक एक बार भी मैन कटिंग देखने को नहीं मिली। अब बात करते हैं पांचवी बड़ी खबर की। तो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती होती है भारत बांग्लादेश के मुकाबले को लेकर और हमारी प्रेडिक्शन को लेकर। दरअसल टीम इंडिया का अगला मुकाबला 19 तारीख को यहां पर बांग्लादेश के खिलाफ होगा। इस मुकाबले से पहले टीम इंडिया के लिए बड़ी खुशखबरी, टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा, जिन्होंने अब तक वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ 2 मुकाबले खेले और दोनों ही मुकाबलों में इन्होंने शतक जड़ा। जहां पर 2015 के यहां पर वर्ल्ड कप में जो क्वार्टर फाइनल बांग्लादेश के खिलाफ था, उस मुकाबले में 126 बॉलों में 137 रन की रोहित शर्मा ने पारी खेली थी। इसके साथ ही जो पिछले वर्ल्ड कप जो 2019 का वर्ल्ड कप था, वहां पर बांग्लादेश के खिलाफ जो इकलौता मुकाबला था, उसमें रोहित शर्मा ने 92 बॉलों में 104 रन की पारी खेली। तो रोहित शर्मा अब तक बांग्लादेश के खिलाफ इनका काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है। बांग्लादेश के खिलाफ जब ये खेले हर बार शतक लगाई, तो अब यहां पर तीसरी बार बांग्लादेश के खिलाफ ये वर्ल्ड कप में खेलने जा रहे हैं। तो होपफुली तीसरा शतक हमें शायद यहां पर देखने को मिले। इसके साथ कल के मुकाबले की हमारी प्रेडिक्शन एक्यूरेट रही। दरअसल इस वर्ल्ड कप में लगभग यहां पर 12-13 मुकाबलों में 3 हमारी प्रेडिक्शन फेल हुई है, बाकी यहां पर हमारी सारी प्रेडिक्शन सही हुई। आप अपनी स्क्रीन पर कल की प्रेडिक्शन का स्क्रीनशॉट देख पाऊंगे। आज के मुकाबले की भी हम प्रेडिक्शन करेंगे या फिर बचे वर्ल्ड कप की प्रेडिक्शन करेंगे। हालांकि आज का मुकाबला काफी आसान है, लेकिन बचे वर्ल्ड कप की प्रेडिक्शन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। 90% हमारी एक्यूरेसी रेट है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कॉल करें, आप फटाफट हमारे
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। अब हम बात करते हैं यहाँ पर छठी बड़ी खबर की। तो छठी बड़ी खबर निकल कर आती होती है टीम इंडिया की ऑरेंज जर्सी को लेकर। दरअसल टीम इंडिया वर्ल्ड कप की प्रैक्टिस ऑरेंज जर्सी में कर रही है। टीम इंडिया ने इस साल यहाँ पर अपना ऑरेंज कलर का किट यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए तैयार करवाया है और अब यहाँ पर टीम इंडिया ऑरेंज जर्सी का वर्ल्ड कप के एक मुकाबले में कन्फर्म रूप से प्रयोग करेगी। बीसीसीआई ने कन्फर्म किया, बीसीसीआई ने कहा है कि टीम इंडिया अगर सेमीफाइनल में जल्दी क्वालिफाई हो जाएगी उसके बाद टीम इंडिया की लीग स्टेज के मुकाबले बचेंगे तो उनमें से एक मुकाबले में टीम इंडिया ऑरेंज जर्सी का कन्फर्म रूप से प्रयोग करेगी। तो कुल मिलाकर मोस्ट लाइकली हो सकता है कि 12 नवंबर को जो टीम इंडिया का आखिरी लीग मुकाबला नीदरलैंड के खिलाफ होगा उस मुकाबले में शायद ऑरेंज जर्सी हमें टीम इंडिया यहाँ पर यूज करती हुई, ऑरेंज जर्सी में वो मुकाबला यहाँ पर खेलती हुई। आप कमेंट करके बताइए आप टीम इंडिया को आखिर ऑरेंज जर्सी में वर्ल्ड कप का एक मुकाबले खेलते हुए देखना चाहते हो या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सातवीं बड़ी खबर की। तो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती होती है आज होने वाले वर्ल्ड कप के मुकाबले को लेकर। दरअसल आज वर्ल्ड कप का काफी इंपोर्टेंट मुकाबला साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड के खिलाफ होगा। साउथ अफ्रीका अब तक दो मुकाबले में अनबीटन रही, आज अगर ये टीम मुकाबला जीतेगी तो इंडिया और यहाँ पर न्यूजीलैंड के बराबर ये टीम आ जाएगी और नीदरलैंड की टीम मुकाबला हारेगी तो श्रीलंका की तरह ऑलमोस्ट ये टीम भी बाहर हो जाएगी। श्रीलंका की टीम तीन मुकाबले हार चुकी, बच्चे हुए छह में से छह मुकाबले जीत रहे तो श्रीलंका का वर्ल्ड कप ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका। आज नीदरलैंड का भी शायद वर्ल्ड कप समाप्त हो जाए, केवल आठ टीमें वर्ल्ड कप में फिर क्वालिफिकेशन के लिए बचेगी। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आज कौन सी टीम जीत रही है, आप कौन सी टीम को आखिर सपोर्ट कर रहे हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आठवीं और आखिरी बड़ी खबर की। तो आठवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती होती है केन विलियमसन की तरफ से। दरअसल केन विलियमसन ने वर्ल्ड कप का केवल एक ही मुकाबला खेला, उस मुकाबले में 78 रन बनाए थे और उस मुकाबले में यहाँ पर थ्रो इनके यहाँ पर अंगूठे पर लग गया था। हाथ के अंगूठे पर लगने की वजह से ये यहाँ पर इंजर्ड हो गए थे और करंटली इनकी कंडीशन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो कुल मिलाकर अब आने वाले तीन चार मुकाबले और ये वर्ल्ड कप के मिस करेंगे। हालांकि भारतीय टीम के लिए बड़ी कुछ खबर है, 22 अक्टूबर को भारत और यहाँ पर न्यूजीलैंड का ये मुकाबला मिस करेंगे। दरअसल जब जब भारत न्यूजीलैंड का वर्ल्ड कप में मुकाबला हो हर बार इनका काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है तो केन विलियमसन अगला मुकाबला हमें मिस करते हुए देखेंगे। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग बिना विलियमसन के क्या वर्ल्ड कप इतिहास में पहली बार टीम इंडिया न्यूजीलैंड को हरा पाएगी या फिर नहीं। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।